कबीरधाम जिले के झलमला थाना अंतर्गत ग्राम मटिया डोंगरी के कुएं में मिले 1.5 माह की बच्ची का शव मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल बच्ची का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी की मां निकली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मां शब्द को कलंकित कर दिया। बताया जा रहा है कि 2 बच्ची होने के कारण आरोपी मां ने अपने छोटी दूधमुहे बच्ची को बेदर्दी से कुएं में फेंक दिया था, जिससे मासूम की मौत हो गई। वही पुलिस ने इस पूरे मामले में मासूम बच्ची के मां और पिता को गिरफ्तार किया है। दरअसल रविवार की सुबह गांव के कुएं में बच्ची की लाश तैरते देख गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची का शव कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों से पूछताछ करने पर मृतक बच्ची की मां ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बच्ची की हत्या करने का कारण महिला ने पुलिस को बताया कि मृतक बच्ची पूजा उसकी दूसरी छोटी बेटी थी। पति द्वारा बार बार दूसरी बार भी बेटी को जन्म देने की बात को लेकर ताना और लड़ाई झगड़ा करता था। पुलिस इस रोज रोज के झंझट से तंग आ चुकी थी। तब पहले महिला ने स्वयं आत्महत्या करने का सोच रखी थी, फिर ख्याल आया कि क्यों ना जब मेरा पति मुझे इस बच्ची के लिए झगड़ता है तो इस बच्ची को ही मार दिया जाए। इसी कारण कलयुगी माँ ने बच्ची को कुएं में फेंकने का खौफनाक कदम उठाया, जिससे 1.5 माह की बच्ची पूजा की मौत हो गई। पुलिस ने पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना झलमला में एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बरबसपुर के मटिया डोंगरी में भगेल सिंह के खेत है, उसमें जो कुआं है उसमें एक बच्ची का जो शव है वो पानी में तैरते दिखा है। तो इस पर से मर्ग इंटीमेशन कायम कर घटना स्थल पुलिस टीम रवाना हुई और जाकर वहाँ मर्ग जांच कर रहे हैं। वहाँ पर शव का पंचनामा कर बाहर कुएं से बाहर ग्रामीणों की मदद से निकलवाया गया और शव पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए CSC बोर्डला भेजा गया है। जांच जारी है। इसमें स्पष्ट वजह सामने नहीं आया है। PM रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद और मर्ग जांच के बाद ही यह कहा जा सकता है कि क्या कारण है इसका। जनता टाइम्स न्यूज के लिए कवर्धा से जीवन साहू की रिपोर्ट।